हे गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के ऊपर। मैं हूं अमित राव भाई। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं किया सेल्टोस के तीन वेरिएंट का कंपैरिजन होने वाला है साइड बाय साइड। तो जो आप गाड़ी सामने खड़े हुए देख रहे हैं, ये आ जाता है इनका, ये वाला HTK+ मॉडल आ जाता है, ये HTX मॉडल आ जाता है, और ये वाला जो आप मॉडल देख रहे हैं लास्ट के अंदर ब्लैक कलर में, यह आ जाता है अपना HTX+ मॉडल। तो अगर आप किसी वेरियंट के बीच में कन्फ्यूज़न है तो इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़ बता दूँगा आपको कि किस वेरियंट के अंदर क्या क्या फ़ीचर आते हैं और कौन सा वेरिएंट सही रहेगा लेना। अगर बात करते हैं भाई किस किस मॉडल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, तो HTK+ जो मॉडल आता है अपना, ये अपना आता है पेट्रोल मैनुअल के साथ, डीजल मैनुअल के साथ। उसके अलावा पेट्रोल में टर्बो IMT भी आता है और टर्बो के अंदर IBT भी आता है इसके अंदर। HTX मॉडल की बात करते हैं तो सेम चीज़ आती है भाई, पेट्रोल मैनुअल, डीजल मैनुअल। उसके अलावा जो अपना है डीजल ऑटोमेटिक आता है, डीजल IMT आ जाता है, और पेट्रोल ऑटोमेटिक है वो भी देखने के लिए मिल जाता है। सेम इसकी बात करते हैं तो पेट्रोल के अंदर इसमें हमें IMT मिलता है टर्बो वाला, और 7 DCT मिलता है। डीजल में बात करते हैं तो डीजल के अंदर हमें मैनुअल और IMT दोनों ट्रांसमिशन देखने के लिए मिल जाते हैं। जो प्राइस का कंपैरिजन है वो लास्ट में मैं स्क्रीन के ऊपर लगा दूंगा और वहाँ से आपको बता भी दूंगा कि कितना क्या प्राइस का डिफरेंस आ जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरीके की वीडियो मेरे चैनल के ऊपर आती ही रहती है और डिटेल से बात करेंगे किस वेरियंट के अंदर क्या क्या फीचर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि उससे हल्का मोटिवेशन मिलता है और इस तरीके की वीडियो बनाने में हेल्प भी लगती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाई। तो चाबी मैं आपको एक ही गाड़ी की दिखाता हूँ, क्योंकि जो तीनों गाड़ियों के अंदर चाबी मिलती है वो सेम देखने के लिए मिलती है हमें। इसमें लॉक का, गाड़ी को अनलॉक करने का, गाड़ी को रिमोट से स्टार्ट करने का और डिग्गी अनलॉक करने का स्विच मिल जाता है, और इसके अंदर ही अपनी फिजिकल की होती है जिससे इमरजेंसी के अंदर हम इनको अनलॉक कर सकते हैं। तो ये वाली चाबी हमें देखने के लिए मिल जाएगी तीनों ही मॉडलों के साथ में। अब फ्रंट लुक से शुरुआत करते हैं। तो भाई पहले HTK+ मॉडल से शुरुआत करते हैं, जो फ्रंट लुक आता है इसके अंदर। तो यहाँ पे आपको इसके अंदर हैलोजन बेस हेडलाइट सेटअप मिल जाता है येलो कलर का, यहाँ पे इंडिकेटर आते हैं और यहाँ पे अपने डे टाइम रनिंग लाइट है वो आ जाती है। उसके नीचे दिखाऊँ तो यहाँ पर अपना प्रोजेक्टर बेस येलो कलर का फोग लाइट आ जाता है इसके अंदर। ये जो हेडलाइट सेटअप है ये HTK+ के अंदर मिलेगा, चाहे आप कोई सा भी HTK+ ले लो, पेट्रोल, डीजल, ऑटोमेटिक, मैनुअल, जो भी लोगे सब में सेम मिलेगा। 4 पार्किंग सेंसर आ जाते हैं। जो ग्रिल आती है यहाँ पर ये सिल्वर कलर की आती है, और जो ये वाली चीज़ आप देख रहे हो ये पूरा आता है मैट कलर के साथ में। फ्रंट में स्किड प्लेट आ जाती है, तो फ्रंट का गाड़ी का कुछ इस तरीके का लुक हो जाता है, बम्पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का आएगा। अब बात करते हैं HTX मॉडल की। तो यहाँ पे आपको जो लाइटें मिलती हैं वो क्राउन जुवेल LED हेडलैम्प देखने के लिए मिल जाते हैं। 2 लो बीम के लिए है, 1 हाई बीम के लिए आता है, और यहाँ पर सिक्वेंशियल इंडिकेटर आता है, और उसके नीचे आइस क्यूब शेप के अंदर फोग लाइट मिल जाती है। हाउसिंग भी अगर देखोगे आप तो सेम उसके जैसी ही है, पर डिज़ाइन थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो जाता है और ये वाइट कलर की लाइटें आ जाती है। तो जिन लोगों को जो गाड़ी का लुक भाई सबसे अच्छा चाहिए, मतलब कि दिखनी चाहिए भाई मेरी गाड़ी टॉप मॉडल जैसी, तो ये वाला मॉडल आप कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर लुक वाले सारे फीचर ऐड हो जाते हैं। और यहाँ पे जो इंडिकेटर है वो भी भाई काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। और ये जो ग्रिल देख पा रहे हो यहाँ पे, ये क्रोम के साथ आती है, और सेंटर वाली जो ग्रिल आती है वो अपनी पियानो ब्लैक कलर की हो जाती है। सेम वही 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं, फ्रंट में स्किड प्लेट आ जाती है, इस तरीके का डिज़ाइन कुछ हमें देखने के लिए मिल जाता है HTX मॉडल के साथ में। अब बात करते हैं HTX+ में, तो सेम सारी चीज़ मिलेगी यहाँ पे, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जैसा HTX के अंदर था वैसा ही HTX+ के साथ में देखने के लिए हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे वही वाली चीज़ है भाई, ये 2 लो बीम की ओन है, हाई बीम ऑफ है, इंडिकेटर यहाँ आ जाते हैं, फोग लाइट, 4 पार्किंग सेंसर, ये वाली चीज़ हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो जो तीनों ही कलर है वो मैंने आपके सामने खड़े ही कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपीरियल ब्लू है, ये पेट्रोलियम आता है, और ये अरोरा बैक पर्ल आ जाता है। इन गाड़ियों के अंदर सारी के अंदर यही आपको सारे कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं, पर बहुत से लोगों की डिमांड होती है कि भाई ओलिव नहीं देखा है, इंपीरियल ब्लू नहीं देखा है, या ब्लैक कैसा दिखता है वो दिखा दो। तो भाई इसी वीडियो के अंदर आपको ये चीज़ भी देखने के लिए मिल जाएगी कि तीनों कलर कैसे नज़र आते हैं। ये इसका हो जाता है भाई फ्रंट का। अब बात करेंगे साइड प्रोफाइल से कैसी गाड़ी दिखती है। तो यहाँ से भाई HTK+ से ही शुरुआत करेंगे, क्या चीज़ मिलती है। अब साइड प्रोफाइल की बात करते हैं भाई HTK+ मॉडल के साथ में। तो भाई इस तरीके का जो है साइड का प्रोफाइल देखने के लिए मिल जाएगा आपको। यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो थोड़ी नॉर्मल तरीके की रखी गई है, मतलब क्रोम वगैरह यूज़ नहीं किया गया। जो गाड़ी आती है दिखने में मतलब अच्छी लगती है, पर थोड़ा उसको नॉर्मल साइड में रखा गया है, जैसे कि मतलब कस्टमर की डिमांड होती है तो उन लोगों के लिए अच्छी गाड़ियाँ आती है। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है ब्लैक चीज़ आपको, ब्लैक लाइटिंग वगैरह सारी चीज़ ब्लैक देखने के लिए मिलती है। तो शुरुआत करते हैं भाई टायर के साथ में साइड प्रोफाइल पे। तो यहाँ पे आपको HTK+ के अंदर मिलता है भाई 16 इंच के टायर साइज आते हैं, और इनका सेक्शन अगर आप यहाँ पर थोड़ी बारिश हुई थी तो यहाँ पर देखेंगे तो 205/65R16 का देखने के लिए मिल जाता है। चारों टायरों के अंदर डिस्क ब्रेक आता है, हाइपर मेटेलिक अलॉय देखने के लिए मिल जाते हैं, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वो वाली चीज़ मिल जाएगी, क्लाइडिंग पूरी यहाँ से और पीछे तक ब्लैक आ जाती है। यहाँ पे अपने LED इंडिकेटर मिल जाते हैं, और ये आपको जो फोल्ड है वो हाथ से करने पड़ेंगे HTK+ मॉडल के साथ में। बाकी मॉडलों के अंदर आपको इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल भी मिल जाएंगे, पर इसके अंदर आपको हाथ से फोल्ड करने पड़ेंगे। यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए।
रियर डोर सनशेड कर्टन आते हैं, बाकी पूरी जो क्लाइडिंग है, क्रोम जो बेल्ट लाइन आती है, पूरी ब्लैक देखने के लिए मिलती है। रियर के अंदर डिस्क ब्रेक भी यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये आ जाएगा एस टी के प्लस का साइड प्रोफाइल। और साइड प्रोफाइल में बात कर लेते हो भाई, रूफ रेल भी आ जाती है यहाँ पे, और ये आप इसका सनरूफ देख सकते हो। तो सनरूफ तो अपने को तीनों ही वेरियंट के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। अब बात करते हैं एच टी एक्स मॉडल की। तो एच टी एक्स मॉडल में शुरुआत वहीं जो अपना अलॉय व्हील है वहीं से करेंगे। तो यहाँ पर आप अलॉय व्हील देख सकते हो, यहाँ पर आता है अपना 17 इंच का अलॉय आ जाता है, और होता सिंगल टोन के साथ ही है, पर साइज़ बढ़ जाता है, और जो है डार्क ग्रे कलर के साथ में ये आता है। साइज़ अगर मैं दिखाऊं आपको तो यहाँ पे साइज़ देखोगे 215/60 R17 का आ जाता है देखने के लिए। बाकी सारी सेम मिलेगी वही भाई, चारों टायरों के अंदर डिस्क ब्रेक, वो सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे मड फ्लैप लगे लगाए जाते हैं, यहाँ पे मड फ्लैप अपने नहीं आ रहे थे। यहाँ पे देखेंगे तो जो नीचे वाली क्लाइडिंग थी इसके अंदर एक सिल्वर कलर की गार्निश ऐड हो जाती है, जिसकी वजह से मतलब ये नोटिस होता है कि भाई एस टी एक्स मॉडल है। उसके अलावा ये जब भी आप लॉक अनलॉक करोगे फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो। क्रोम की बेल्ट लाइन है वो यहाँ पे मैच हो जाती है एस टी एक्स मॉडल में। प्लस में भाई क्रोम डोर हैंडल आ जाते हैं, यहाँ पे ये वाली चीज़ मिल जाएगी। रूफ रेल सेम आ रही है भाई, कोई चेंज नहीं है रूफ रेल के अंदर। ए पिलर आता है वो भी ब्लैक देखने के लिए मिल जाता है। तो ये हो जाता है भाई एस टी एक्स मॉडल का साइड प्रोफाइल। अब बात करते हैं एस टी एक्स प्लस मॉडल के साथ में। तो यहाँ पे फिर डिफरेंस आ जाता है, और हल्का डिफरेंस आएगा एक्सटीरियर के अंदर। यहाँ पे कलर आप ब्लैक देख रहे हो ये, और यहाँ पे भी अपने को मिलते हैं 17 इंच के क्रिस्टल कट अलॉय व्हील आ जाते हैं, 17 इंच के ही है। जो एस टी एक्स में देखा था हमने साइज़ वही वाला साइज़ है, पर इनका जो डिज़ाइन है वो चेंज होता है। ड्यूल कट के अंदर ये देखने के लिए मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं दिखने के अंदर। और यहाँ पे टायर का सेक्शन देखोगे तो 215/60 वही R17 का देखने के लिए अपने को मिल जाता है। तो सेक्शन सेम आता है, पर ड्यूल टोन मतलब ये वाले अलॉय व्हील आ जाते हैं, और लोग इसके कंपेरिजन में इनर अलॉय को पसंद भी ज़्यादा करते हैं भाई। यहाँ पर भी मड फ्लैप आ रहा है लगा लगाया, और बाकी साइड के अंदर अपनी सारी चीज़ें सेम आ जाती है। एस टी एक्स प्लस मॉडल के साथ में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। दोनों गाड़ियाँ आप साइड बाय साइड यहाँ पे देख सकते हो, और तीनों गाड़ियाँ मैं आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पे आ जाती है भाई ये वाला आता है एस टी एक्स प्लस। एक बार और साइड से दिखा देता हूँ तो जिन लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़न है, तो भाई साइड प्रोफाइल से बिल्कुल सेम आती है एक्स प्लस भी, कोई ऐसा डिफरेंस यहाँ पर नहीं मिलेगा। अब बात करेंगे रियर प्रोफाइल की। भाई ये आप देख सकते हो जो इनका रियर का प्रोफाइल है वो आता है तीनों गाड़ियों का अपना। ये सबसे पहले एस टी के प्लस, एस टी एक्स, और वो एस टी एक्स प्लस खड़ा हुआ है। अब यहाँ पे रियर के अंदर मैं चीज़ बता देता हूँ आपको एस टी के प्लस में क्या क्या मिल जाती है। तो भाई यहाँ पे वाइपर आ जाता है अपना, डिफोगर आ जाता है, वॉशर, हाई मोटर स्टॉप लैम्प, और शार्क फिन एंटीना, ये चीज़ आ जाती है। कनेक्टेड टेल लैम्प आ जाते हैं यहाँ पे, पूरी कनेक्टेड वाली है। इसके अंदर जो इंडिकेटर आते हैं वो नॉर्मल मिलते हैं, एक बार ऑन करके दिखाता हूँ। तो भाई ऑन कर दिए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इंडिकेटर मिलते हैं एस टी के प्लस में वो नॉर्मल आते हैं, सीक्वेंशियल नहीं मिलते हैं। कुछ इस तरीके के आएंगे, सेल्टोस की बैजिंग यहाँ पर आ जाती है, और जो अपना कैमरा है वो यहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर है, और ये जो इसका रियर बम्पर आता है ये भी देखोगे तो भाई ये आता है मैट कलर के साथ में, मतलब ये कोई पियानो ब्लैक कलर नहीं है, मैट कलर के साथ आ रहा है। रियर स्किड प्लेट आ रही है, और यहाँ पे अपनी जो है वो रिवर्स गियर के लाइट और रिफ्लेक्टर दिए गए। तो ये कुछ एस टी के प्लस के अंदर अपना रियर का प्रोफाइल देखने के लिए मिल जाता है। और अब बात करते हैं एस टी एक्स मॉडल की। तो सबसे पहले इंडिकेटर आप देख सकते हो, यहाँ पे सीक्वेंसल वाले इंडिकेटर आते हैं एस टी एक्स मॉडल के साथ में, जो कि यहाँ पे नॉर्मल वाले आ रहे थे, ये वाली चीज़ आ जाएगी। बाकी ऑलमोस्ट जो है सारी चीज़ सेम आती है, वही वाइपर, डिफोगर, वॉशर, कनेक्टेड टेल लैंप, कैमरा। सिर्फ बम्पर के अंदर हल्का फ़र्क आता है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये जो सेंटर का पीस देख पा रहे हो आप, ये आ जाता है पूरा पियानो ब्लैक, और वहाँ पे आ रहा था अपना पूरा मैट कलर के साथ में। तो हर एक छोटी छोटी चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई किस वेरियंट के अंदर क्या चीज़ मिल रही है। तो ये आप एस टी एक्स मॉडल का रियर प्रोफाइल आप देख सकते हो। होप वीडियो पसंद आ रही होगी, अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जो भी लोग सेल्टोस लेने का प्लान कर रहे हैं और इन तीनों मॉडलों के बीच से लेने का प्लान कर रहे हैं तो उनके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी और किस वेरिएंट का कंपैरिजन देखना चाहते हैं आप मुझे बता सकते हैं, उसका मैं डेफिनेटली लेके आऊँगा। अब बात करते हैं एस टी एक्स प्लस मॉडल की। तो यहाँ पर जो चेंज का टॉपिक आता है वो आता है अपना स्पॉइलर। तो यहाँ पर देखोगे तो रियर स्पॉइलर इस मॉडल के साथ में लगा लगा आता है, फैक्ट्री फिटेड, आपको एक्सेसरीज वगैरह में लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस में किया कनेक्ट जो कनेक्टेड जो फीचर होते हैं वो भाई उसके अंदर ही मिलते हैं और इसके अंदर ही मिलते हैं। बाकी रियर के अंदर देखोगे तो सारी चीज़ सेम आ जाती है, ये कुछ रियर का जो है भाई वो डिज़ाइन देखने के लिए मिल जाएगा। ये एस टी एक्स मॉडल है, यहाँ पे ये देख सकते हो पार्शियल सेल्फ इसके अंदर आ जाती है, और एस टी के प्लस के साथ में अपने को पार्शियल सेल्फ नहीं मिलती है, ये ऐसा मिलता है। यहाँ पे फिक्स हेडरेस्ट, यहाँ पे एडजस्टेबल तीनों हेडरेस्ट, लाइट का ऑप्शन आता है, लाइट तो हमें यहाँ पर मिलेगी, घर लाइट यहाँ पर भी आती है। ये होता है रियर का। अब बात करेंगे भाई इंटीरियर की कि क्या क्या मिलता है इंटीरियर के अंदर। तो शुरुआत वहीं से करेंगे एस टी के प्लस मॉडल के साथ में। तो ये पर डोर ओपन कर लिया है, और यहाँ से आप इसका देख सकते हो एस टी के प्लस का अपना इंटीरियर। तो फ्रंट का इंटीरियर और रियर का इंटीरियर मैं यहीं से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये भाई रियर सीट का इंटीरियर है, डिफरेंस सारे बताऊँगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा जहाँ तक है। पर
यहाँ से आप एक आइडिया लगा सकते हो कि इंटीरियर जो मिलेगा वो ऑल ब्लैक मिलता है, सिल्वर गार्निश जैसे कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ आपको जगह जगह मिल जाएगी। बेसिक फीचर बताया था हूँ इस मॉडल के अंदर, तो चारों पावर विंडो आती है, वन टच अप एंड डाउन वाला फीचर भी आता है सभी के साथ में। यहाँ पे जो मिरर को फोल्ड करने का स्विच है वो नहीं आता, तो ये आपको हाथ से करना पड़ेगा एचटी के प्लस मॉडल के साथ में, एक डिफरेंस ये आता है। बाकी पुश बटन स्टार्ट वगैरह सारी चीज़ें मिलती है हमें। अब इसके अंदर आपको चल के दिखाता हूँ और चीज़ों के बारे में। तो यहाँ से भाई ये आप इसका जो है वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख सकते हो, कुछ इस तरीके का आएगा। स्टेयरिंग यहाँ पर लेदर रैप आता है जो कि पहले नहीं था, पर अभी एस टी के प्लस में देखने के लिए मिल जाता है। सेल्टोस की बैजिंग आती है, सिल्वर गार्निश यहाँ पर यूज़ की गई है। ये वाला जो है पूरा क्लस्टर देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे ये जो गार्निश है ये अपने को मैट टेक्सचर के साथ मिलेगी, और उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा क्या चेंज होगा वहाँ पे। 8 इंच का म्यूजिक सिस्टम, 4 जो है स्पीकर और 2 ट्विटर आते हैं इनके अंदर, और ऑटोमेटिक एसी आता है सिंगल जोन का। यहाँ पे गियर लीवर है वो भी लेदर रैप आता है, फ्रंट पार्किंग सेंसर आ जाते हैं। जो और डिफरेंस है वो भाई सीट आप देख सकते हो, तो सीट जो है इसके अंदर फैब्रिक की मिलती है, फुली फैब्रिक आती है। ये वाली चीज़ एचटी के प्लस के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी हमें। और यहाँ पे सनरूफ तो मिलता ही भाई अपने को, सनरूफ आप चाहते हो तो मैं इसको एक बार दिखा देता हूँ एक सनसेट को ओपन करके। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे फिक्स वाले हेडरेस्ट मिलते हैं 2, कोई भी सेंटर के अंदर आर्मरेस्ट वगैरह का ऑप्शन नहीं है, ऐसा भी चाइल्ड सीट एंकर का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। ये वाली चीज़ मिलेगी, टाइप सी पोर्ट, रियर एसी वेंट, वो चीज़ अपने को मिलती है। सनशेड गटर आता है, ये कुछ सनरूफ ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का व्यू आ जाएगा। जो लाइट्स वगैरह हैं पीछे की वो लाइटें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, कोट हैंगर भी वहीं पर आ जाते हैं, ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। और डिग्गी के अंदर है तो पार्शियल ट्रे नहीं मिलेगी डिग्गी के अंदर। लाइटें वगैरह है वो एलईडी ही मिलेगी। यहाँ पे जो मिरर है वो अपने को मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ मिलेगा, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट नहीं आता है, और म्यूजिक सिस्टम छोटा आता है। अब चलते हैं भाई अपना जो है HTX मॉडल के अंदर कि वहाँ पे क्या मिलेगा। उससे पहले डोर ओपन करेंगे तो भाई क्रोम डोर हैंडल है, और इनकी क्वालिटी भाई जो मतलब एक्सेसरीज में लगवाते हो ना उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने के लिए मिलती है, प्रीमियम भी फील कराते हैं अपने को, तो ये वाली चीज़ मिल जाती है। अब इसका जो है खोलते के साथ आपको जो चीज़ नज़र आएगी तो भाई इसका इंटीरियर आप देख लो कुछ इस तरीके का आता है इसके अंदर। ये वाला कुछ सीटों का डिज़ाइन मिलता है और ये इंटीरियर आता है। तो इस इंटीरियर के बारे में बात करता हूँ तो भाई ड्यूल टोन इंटीरियर आता है, ब्लैक एंड बीच का कॉम्बिनेशन आता है इसके अंदर। और HTX का कोई सा मॉडल ले लो सेम यही इंटीरियर मिलेगा आपको, सोनेट के जैसे नहीं है कि ऑटोमेटिक या आप उसमें IMT में लोगे तो अलग मिल जाएगा, वो नहीं है, सेम ही है HTX के अंदर, अब सेम मिलता है 2024 के अंदर। ये वाली चीज़ है, यहाँ पे पूरा लेदर आता है, उसके अंदर हार्ड प्लास्टिक था, यहाँ पे पूरा लेदर मिलेगा, ये लेदर आता है, वाइस स्विचिंग आ जाती है, मिरर फोल्ड एंड फोल्ड करने का स्विच आ जाता है यहाँ पे। इसके अंदर साउंड मूड लैंप्स होते हैं, लाइटें होती है जो स्पीकर के पास में वो आ जाती है यहाँ पे। और ये इंटीरियर दिखने में प्रीमियम लगता है नई गाड़ी का, पर कुछ टाइम बाद जब गंदा हो जाता है तो उतना ही ज़्यादा गंदा भी लगता है, पर अगर सीटों की टाइम टू टाइम मेंटेनेंस कराओगे, ड्रैगिंग वगैरह कराओगे तो चमकता भी रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। सीट हाइट एडजस्टमेंट यहाँ पे भी मैनुअली मिलते हैं। और सीटों के अंदर देखोगे तो जो डिज़ाइन है वो वेंटिलेटेड सीट जैसा बनाया गया, पर एक्चुअल में ये नॉर्मल सीटें ही आती है, पर फुली लेदरेड सीट हमें देखने के लिए मिल जाती है, ये वाली चीज़ मिलेगी। अब इसके अंदर चल के आपको और चीज़ दिखाता हूँ क्या क्या मिल जाती है अपने को। तो यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ऑन कर लेते हैं इसको। तो भाई यहाँ पे ऑन करने के बाद ये कुछ इसका डैशबोर्ड का लुक आता है, जो मेरा मतलब जहाँ से मैं देख पा रहा हूँ वहीं से सेम आपको दिखा रहा हूँ मैं, तो आपको एक एग्जैक्ट आइडिया पड़ेगा कि भाई ड्राइवर सीट पे बैठ के जो डैशबोर्ड है वो कैसा लगेगा, फील जो होता है ना गाड़ी के अंदर बैठने के बाद, तो वो चीज़ HTX मॉडल में यहाँ पे फील होने लग जाती है हमें कि काफ़ी ज़्यादा हमने पैसा किसी चीज़ किसी ब्रांड के ऊपर या किसी गाड़ी पे इन्वेस्ट किया है, वो भाई HTX मॉडल में दिखने लग जाता है, ये वाली चीज़ आती है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग के अंदर एक चीज़ में मिल जाती है हमें, वो है रीच एडजस्टमेंट। तो पहले अपने को टिल्ट मिल रहा था, यहाँ पे रीच एडजस्टमेंट भी आ चुकी है, वो वाली चीज़ मिल जाएगी। अब और बात करते हैं तो यहाँ पे देखोगे तो जो म्यूज़िक सिस्टम है भाई इसके अंदर यहाँ पे मिल जाता है 10.25 इंच का म्यूज़िक सिस्टम मिल जाता है, और इसके अंदर कनेक्टेड कार के जो सब्सक्रिप्शन होते हैं वो भी मिल जाते हैं 3 साल के लिए, मतलब 3 साल तक आप गाड़ी को फ़ोन से ट्रैक वगैरह, जियो बैंजिंग और बहुत सारी वॉइस कमांड ऐप के थ्रू गाड़ी स्टार्ट करना, वो सारी चीज़ अपने को मिल जाती है HTX मॉडल के साथ में। यहाँ पे डैशबोर्ड में मैंने कहा था आपको दिखाऊंगा मैं, तो ये चीज़ जो आप देख रहे हो ना ये आता है लेदर, मतलब सॉफ्ट है फील करने में, पर इतना भी सॉफ्ट नहीं है जैसा कि यहाँ पे सॉफ्ट था ना, इतना सॉफ्ट नहीं है, पर यहाँ पे भी सॉफ्ट मिल जाता है पर हल्का थोड़ा सा हार्ड है। और यहाँ पे ब्लैक स्टिचिंग यूज़ की है डैशबोर्ड के ऊपर, ये वाली चीज़ मिल जाती है। स्पीकर इसके अंदर भी सेम ही आ रहे हैं, 4 स्पीकर 2 ट्विटर मिल जाते हैं, वो वाली चीज़ मिलेगी। क्लस्टर भी अपने को ऑलमोस्ट सेम देखने के लिए मिल जाता है, फीचर भी इसके अंदर सेम आते हैं। अब जो डिफरेंस क्रिएट करेगा वो करेगा यहाँ पे ऑटोमेटिक एसी, तो भाई यहाँ पे अपने को मिल जाता है ड्यूल जोन ऑटोमेटिक एसी आता है। तो यहाँ पे इसको जो है वो मैं दिखाता हूँ आपको, तो सिंक को बंद करते हैं पहले, और यहाँ से मैं इसका टेम्परेचर है वो बढ़ाता हूँ
तो ये वाली चीज़ है, तो वहाँ पे 22 और इधर लो, ऐसे करके हम सेट कर सकते हैं। और इसके अंदर एक और अच्छा फंक्शन आता है कि भाई उधर हीटर चलाना है तो हीटर भी चल जाता है और इधर एसी भी चल जाता है। प्रैक्टिकल मैंने करके देख लिया था, बाकी मैंने एक गाड़ी में वो ट्राई किया था तो उसके अंदर ये था कि मतलब एसी चला रहे हो तो एसी का टेम्परेचर आप एडजस्ट कर सकते हो, पर ये नहीं था कि मतलब हीटर और मतलब एसी दोनों एक साथ चल जाए। वो वाली चीज़ इसके अंदर मैंने खुद प्रैक्टिकली चेक की थी। अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप एक बार करके बताना मेरे को कि क्या मैं सही था या गलत था, तो कमेंट बॉक्स वो उसके लिए ओपन है। और वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है भाई, क्योंकि तीन तीन गाड़ियों का कंपैरिजन हम कर रहे हैं। वैसे तो वीडियो में शॉर्ट रखने की कोशिश करता हूँ, पर तीन गाड़ियाँ हैं तो इसलिए थोड़ा लंबा हो सकता है। अब और बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो फिजिकल स्विच यहाँ पे दिए गए सारे, उसके ऊपर वहाँ पे आ रहे थे, इसके अंदर यहाँ में जाते हैं, तो ये पूरा जो डिस्प्ले है ये कनेक्टेड फील होता है, कुछ इस तरीके का आता है दिखने में भाई, मतलब अच्छा लगता है। अब यहाँ पर सेम वही गियरों की क्वालिटी आती है, वो सारी चीज़ें हैं। एक व्यू का स्विच ऐड हो जाता है यहाँ पर, जो कि वहाँ से हम DRVM के अंदर थ्रू कर पाते हैं, वो सारी चीज़ें। तो ये इसका फ्रंट का आता है। और बात करते हैं तो इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर आ जाता है भाई अपना देखने के लिए, सनग्लास होल्डर वगैरह, और ये जो वैनिटी मिरर है ये सारी चीज़ सेम मिली रही थी हमें। तो फ्रंट के अंदर ऑलमोस्ट जो चीज़ें हैं वो मैंने बता दी, वायरलेस चार्जर वगैरह ऐड नहीं हुआ है इस मॉडल के साथ में, वो इसे ऊपर वाले मॉडल के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। अब इसकी एक रियर सीट पर चल के आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, क्या एडिशनल ऐड होता है इसके अंदर उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ से भाई यहाँ पे गाड़ी मैंने पास खड़ी की थोड़ी सी, तो यहाँ पे सबसे पहले तो भाई ये देख लो आप, ये मैं भूल गया था, पर यहाँ पे देख लो सेल्टोस की जो सिल प्लेट है वो एडिशनल आती है जो उसके अंदर नहीं थी। यहाँ पे सेम वही सॉफ्ट टच लेदर, और ये पूरा ब्लैक आ रहा है, उसमें ऐसा ही था, इसमें पियानो ब्लैक हो जाता है। ये कर्टन्स वगैरह मिल ही रहे थे। अब यहाँ पे कुछ चेंजमेंट है, तो सबसे पहले देखो भाई एयर प्योरीफायर, तो अपने को एयर प्योरीफायर STX मॉडल से मिलने लग जाता है, स्मार्ट एयर प्योरीफायर होता है, वायरस एंड बैक्टीरिया प्रोटेक्शन के साथ, रियर एसी वेंट उसमें भी थे, और यहाँ पे दो टाइप सी के पोर्ट आ जाते हैं। यहाँ पे पॉकेट देखोगे तो दो पॉकेट उधर और एक पॉकेट इधर आ जाती है, ये वाली चीज़ है। अब यहाँ पे तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने के लिए मिल जाते हैं हमें, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि भाई तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट। और सीटों के अंदर भाई मतलब 60-40 तो है ही, पर टू वे रिक्लाइन एंगल भी अपने को देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पे। तो भाई ऐसे करके आप इसको करना चाहो तो ये ऐसे कर सकते हो, और ये पावर शेल्टरिंग लगी हुई है इस मॉडल के साथ में। और यहाँ पे जो है आर्मरेस्ट आता है, और इसके नीचे कप होल्डर भी आता है, और कप होल्डर मिलते हैं भाई, दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि पन्नी चढ़ी हुई है और ऐसे पन्नी उतारना ठीक नहीं है। और यहाँ पे थ्री पॉइंटर सीट बेल्ट तो भाई सभी में मिलती हैं, पर यहाँ पे आपको आइसोफिक्स स्टाइल सीट एंकर है वो भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे ये इसका सिंबल ही बना हुआ है, तो वो वाली चीज़ अपने को देखने के लिए मिल जाएगी भाई। ये आता है यहाँ से पार्शियल ट्री पीछे का देखा कुछ इस तरीके का नज़र आएगा, ये वाली चीज़ अपने को यहाँ मिल जाती है। रियर सीट से अगर ड्राइवर का व्यू देखूँ तो भाई ये कुछ, तो अब बात करेंगे भाई STX प्लस मॉडल के साथ में कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ देखने के लिए मिलती है। तो सबसे पहले आप देखोगे तो भाई सबसे पहले आपको इसका जो इंटीरियर है वो अलग ही चमकता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि अब तक जो दो गाड़ियाँ आपने देखी हैं वो दोनों थोड़ी मतलब पहले वाली सबसे सिंपल लगी होगी, फिर थोड़ी और एक्स्ट्रा, अब ये जो आती है ये थोड़ी और एक्स्ट्रा आती है। भाई प्राइस का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि फीचर इसके अंदर मतलब थोड़े एडिशनल बढ़ जाते हैं, तो उनका भी डिफरेंस ज़्यादा आ जाता है। प्राइसिंग की बात हम करेंगे लास्ट में, या मैं एक पूरा स्लाइड बना के आपको दिखा दूंगा क्या प्राइसिंग है, उसके अंदर आप मतलब छाट पाओगे कि भाई कौन सा वेरिएंट मुझे देखना है, प्राइस उसमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपको चीज़ नज़र आएगी वो आएगा स्पीकर के पास में, बोस की ब्रांडिंग। तो भाई इसके अंदर 8 स्पीकर का सेट आता है, जिनके अंदर आपके 4 स्पीकर, 2 ट्विटर, 1 सेंटर स्पीकर और 1 सबवूफर, वो चीज़ ऐड हो जाती है इनके अंदर, ये चीज़ मिलेगी। साउंड मूड लैंप मिल ही रहे थे हमें, और यहाँ पे पूरा पियानो ब्लैक कलर है। और इंटीरियर आप देखो तो इसके अंदर आता है ऑल ब्लैक इंटीरियर आता है, विद ब्राउन इंसर्ट के साथ आता है, मतलब ब्राउन कलर की सीटें मिलेगी आपको, और वो भी वेंटिलेटेड वाली लेदरेट सीट आती है, फुल अच्छी क्वालिटी की आती है। पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है लोगों की कि भाई किसी को ब्राउन कलर पसंद है, किसी को नहीं है, किसी को बीच है, किसी को ब्लैक है, वो वाली चीज़ है। पर सेल्टोस में काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं हमें, तीन तो मैंने आपको यहीं दिखा दिए, GT लाइन में अलग है और X लाइन में भी अलग मिलता है। अब यहाँ पर देखोगे तो जो सीट है वो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट आती है, और भाई इसके अंदर जो है वो 8-way एडजस्टमेंट मिल जाएगा हमें देखने के लिए, तो 8-way एडजस्टमेंट के साथ ये इलेक्ट्रिक सीटें आ जाएगी अपने को देखने के लिए मिल जाती है। सेम सेल्टोस की सिल प्लेट यहाँ पे आती है, दो चीज़ तो हो जाती है, एक तो भाई इंटीरियर, बोस का म्यूजिक सिस्टम, इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट। अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और यहाँ पे भाई इसको कर लेते हैं ऑन, ऑन करके दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो पहले सीट पीछे सेट कर लेता हूँ ताकि आपको जो डैशबोर्ड का व्यू है मैं दे पाऊँ। तो ये कुछ भाई डैशबोर्ड का इसका जो है लेआउट वो देखने के लिए मिल जाता है, पूरा देखोगे ब्राउन इंसर्ट वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे करके यहाँ पे आके ख़त्म होता है, तो ये भी चीज़ मतलब इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम नज़र आती है अपने को, ये वाली चीज़ देखने के लिए मिल जाएगी। अब और बात करेंगे तो भाई सारी चीज़ यहाँ पे सेम आती हैं,
म्यूज़िक सिस्टम उसके अंदर मैंने बताया गया था आपको मिल जाता है यहाँ पे जो है अपने वो बोस के म्यूज़िक सिस्टम है, तो और मज़ा बढ़ जाता है इसके अंदर। यहाँ पे ये वाला क्लस्टर इसके अंदर ऐड हो जाता है, और यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मतलब इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का क्या है कि हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, उनके अंदर क्या था कि नॉर्मल आ रहे थे, और इसके अंदर मैं इसको जो क्लस्टर का जो मतलब इन्फॉर्मेशन है इनको चेंज भी कर सकता हूँ। मैं ड्राइव मोड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्लस्टर जो नॉर्मल आ रहा है अभी इसको हम चेंज कर सकते हैं STX प्लस मॉडल के साथ में। छोटी ही चीज़ है, पर ऐसा मत समझिएगा कि क्या छोटी छोटी चीज़ बताने लग गए, वो वाली चीज़ है। अब यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे अपने को देखने के लिए मिल जाता है वायरलेस चार्जर, काफ़ी लोगों को नीड होती है, और आजकल छोटे सेगमेंट की गाड़ियों के अंदर भाई वायरलेस चार्जर है वो आने लग गया है, तो लोगों को डिमांड होती है भाई इनके अंदर भी दे दो। XUV 300 में मिल रहा है हमें, तो इसके अंदर क्यों नहीं देते। तो भाई ये ऊपर वाले मॉडलों के अंदर पहले से ही ये गाड़ियाँ लॉन्च हो चुकी है, तो इनके अंदर STX प्लस में जैसे जाके मिलता है वायरलेस चार्जर। और सीटों की बात करते हैं तो भाई सीटों के अंदर अपने को वेंटिलेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे एक बार मैं कैमरे का फोकस करके दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पे सीट वेंटिलेशन ऐड हो चुका है, और 3 वे उनके अंदर इनकी जो स्पीड है वो एडजस्ट कर पाते हैं हम यहाँ से। तो अभी मैंने ऑन कर लिया है, तुरंत ठंडा नहीं करता पर कुछ टाइम बाद ये ठंडा करने लग जाता है, तो ये वाली चीज़ हमें देखने के लिए मिल जाएगी। अब और चीज़ों की बात करते हैं कि और क्या चीज़ मिलती है हमें। तो भाई और एडिशनल चीज़ जो मिलती है वो मिलती है अपने को जो ये पावर विंडो आती है चारों, ये STX मॉडल और STX प्लस मॉडल के अंदर अपने को वन टच अप एंड डाउन के साथ देखने के लिए मिल जाती है, तो ये वाली चीज़ एडिशनल देखने के लिए मिल जाएगी। तो STX प्लस मॉडल के अंदर जो मोटे मोटे फीचर थे वो मैंने आपको बता दिया कि भाई इतने फीचर मिलते हैं। अब गाड़ी के बाहर चल के एक बार थोड़ा फीचर का मैं बता देता हूँ कि भाई कितना क्या चीज़ इसके अंदर एडिशनल मिलती है, किस वेरियंट में मेन मेन फीचर क्या आते हैं, मेन मेन फीचर के बारे में बात करेंगे। तो मेन मेन फीचर के बारे में बात करते हैं तो भाई STK प्लस के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो इसमें आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट, फ्रंट पार्किंग सेंसर, अलॉय व्हील जो है मतलब अपना सनरूफ, क्रूज़ कंट्रोल, ऑटोमेटिक AC, ये मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं ये अपने को सारी मिल जाती हैं। जिन लोगों को मतलब नॉर्मल फीचर चाहिए वो STK प्लस मॉडल के साथ जा सकते हैं, सारे मिल जाते हैं। हेडलाइट चेंज करानी है तो वाइट कलर का इसके अंदर बल्ब होता है वो चेंज करा लो, ये भी दिखने में अच्छी लगती है गाड़ी, बेसिक फीचर सारे आते हैं। उसका आता है STX मॉडल, STX मॉडल के साथ में अपना क्या होता है कि इसके अंदर थोड़े से एडवांस फीचर आते हैं, गाड़ी का जो लुक है और कंफर्ट है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है, जैसे कि लाइटों का सेटअप चेंज हो गया, फ्रंट बम्पर चेंज हो गया, ये वाली चीज़ भाई इसके अंदर चेंज हो जाती है। मतलब जो टायर का सेक्शन है वो भी मतलब बड़ा हो जाता है, यहाँ पे अपने का 16 का आ रहा था, यहाँ पे 17 का आ रहा था, तो कहीं ना कहीं जो ड्राइव जो आप करते हो गाड़ी को चलाते हो तो ये जो 17 इंच के टायर होते हैं ये गड्ढों को मतलब ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और गाड़ी की राइड जो क्वालिटी होती है वो अच्छी कर देते हैं 17 इंच के टायर के साइज़ में। रियर लुक तो ऑलमोस्ट सेम ही आता है, पर गाड़ी का लुक जो फ्रंट से है, साइड से टायरों की वजह से, और ये जो क्रोम वगैरह इनसे बढ़ जाता है, और अंदर जो चीज़ें हैं जैसे कि लेदरेट सीटें आ जाती है, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, म्यूजिक सिस्टम बड़े इंच का आ जाता है, एयर प्योरीफायर आता है, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, 60-40 सीट्स, वो सारी चीज़ भाई इसके अंदर अपने को मिल जाती है। उसके बाद आता है STX प्लस, तो STX प्लस के अंदर थोड़ा सा और मतलब जो एक्स्ट्रा न्यू फीचर होते हैं जो मतलब चाहिए तो सबको पर जो प्राइस सेगमेंट में आती है गाड़ी तो उस पर एडजस्ट कर लेते हैं और इस पे चले जाते हैं जिन लोगों का बजट होता है। तो STX प्लस के अंदर भाई अपने को क्या चीज़ मिल जाती है, रियर स्पॉइलर मिल जाता है, बोस का म्यूज़िक सिस्टम मिल जाता है 8 स्पीकर के साथ में, 10.25 इंच की स्क्रीन जो मतलब म्यूज़िक सिस्टम के साथ ही कनेक्ट है, वेंटिलेटेड सीट इंटीरियर कलर का मिल जाता है, तो ये चीज़ें हमें एक्स्ट्रा मिल जाती है भाई जिनको चाहिए होती है, तो वो ओवरऑल पैकेज आ जाता है। पर जहाँ तक है मैं सोचता हूँ, मतलब ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है, आप अपनी थिंकिंग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जब लोग मतलब STX से X प्लस पे जाते हैं तो मेरा मतलब हमेशा का रिकमेंडेशन यही होता है कि भाई आप GTX प्लस पे चले जाओ, कुछ पैसे बढ़ते हैं उनके अंदर, आपको 360 कैमरा, एडास लेवल 2, और जो एक्सटीरियर के कलर्स वगैरह है उनका, 18 इंच का टायर साइज़ का वो फ़र्क पड़ जाता है। तो उसका भी अगर आप कंपैरिजन देखना चाहते हैं भाई कि ऐसे कंपैरिजन लेके आओ कि STX, X प्लस और GT-Line, उसका भी कंपैरिजन मैं ले आऊँगा, पर फिलहाल ये वीडियो यहाँ था इतना। फिर बात कर लेते भाई तो पेट्रोल के बारे में, तो पेट्रोल मैनुअल के अंदर ये तीनों गाड़ियाँ, तीनों तो नहीं आती पर 2 गाड़ियाँ आती है, तो जो प्राइसिंग है पेट्रोल के बारे में बात करते हैं। तो STK प्लस की अगर बात करते हैं अपना जो मैनुअल के अंदर आता है तो इसका 14,05,900 रुपये एक शोरूम प्राइस आता है मैनुअल के साथ में। IMT ट्रबो में लोगे तो 15,44,900 एक शोरूम प्राइस आ जाएगा, और अगर ऑटोमेटिक यही लोगे आप मतलब फुल ऑटोमेटिक पेट्रोल लोगे तो 15,41,900 रुपये एक शोरूम प्राइस आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं STX मॉडल की, तो STX जो मॉडल है मैनुअल आएगा पेट्रोल के अंदर 15,29,900 रुपये का आएगा, और अगर STX IVT की बात करते हैं तो भाई वो आएगा 16,71,900 रुपये का, ये पेट्रोल के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर बात करते हैं STX प्लस मॉडल की तो जो पेट्रोल के अंदर X प्लस IMT आएगा उसका प्राइस आता है 18,72,900 रुपये,
और जो आता है भाई वो आता है DCT वाला। DCT के अंदर 19,72,900 रुपये एक शोरूम प्राइस देखने के लिए मिल जाएगा। ये वाली पेट्रोल के प्राइसिंग आता है। बाकी आपको स्क्रीन पे जो स्लाइड अभी दिख रही है उसके अंदर आप प्राइसिंग का कंपैरिजन कर सकते हैं। भाई तीनों मॉडल आपके आगे खड़े हुए हैं, पूरा वीडियो मैंने आपको दिखा दिया है तीनों ही मॉडलों का। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी और किस वेरिएंट का वीडियो देखना चाहते हैं वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ अमित राव।